बड़वानी जिले में अमावस्या के चलते जहां नर्मदा नदी राजघाट में हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर माँ नर्मदा के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना आस्था पर भारी नजर आया। अनलॉक के बाद लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने आज राजघाट मार्ग प्रतिबंधित कर दिया है, जिस कारण कोई भी श्रद्धालु राजघाट नहीं जा पाया, जिसे नर्मदा के घाट पूरी तरह सूने नजर आए। हालांकि मार्ग प्रतिबंधित करने के पीछे प्रशासन ने कोरोना का बढ़ता संक्रमण बताया है, ताकि घाट पर भीड़ न हो सके और लोग संक्रमण से बच सके। राजघाट पर नर्मदा नदी होने के कारण लोग भारी संख्या में राजघाट आते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आज से मार्ग प्रतिबंधित कर दिया है। बड़वानी सचिव कुमाऊत की रिपोर्ट। ये राजघाट पर जो प्रतिबंध लगाया है, जैसा कि आप सभी को विदित है कि लगातार जो है बड़वानी में कोरोना के जो मरीज़ है बढ़ते जा रहे हैं। एक समय था जब शायद 25-26 जून तक ऐसा जानकारी है कि 97 लोग केवल संक्रमित थे, उसके बाद अब आप देखिए कि 15-16 दिन में संख्या लगभग डेढ़ गुना हो गई है। तो इस चीज़ पर हम सभी को विचार करना पड़ेगा, ये चिंता और चिंतन का विषय है, और उसी को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी सभी ने मिलकर कलेक्टर साहब ने जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया है राजघाट को, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग यदि जाएंगे वो निश्चित रूप से जाने से संक्रमण की पूरी संभावना है। तो उसको देखते हुए राजघाट को पूरी प्रतिबंधित कर दिया गया है, और आम नागरिकों से भी अपील है कि जो भी आप नर्मदा जी के प्रति आपकी श्रद्धा है अच्छी बात है, लेकिन अभी कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप अपने आप मन नियंत्रण में रखें, संयम रखें और कोरोना को नियंत्रण करने में सहयोग करें, नर्मदा जी पर ना जाएं तो अच्छा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।